जरा सोचिए, आप भीड़ भाड़ रहने वाले स्टेशन पर अकेले हो, स्टेशन पर इधर उधर कोई ना हो, आप अकेले खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो। अचानक एक सरसराहट सी आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो आपके दिल में बेचैन भर देती है। आप सरसराहट को महसूस करने के लिए पीछे मुड़ते हो, तभी अचानक आपके सामने एक भूत खड़ा हो जाता है और उसके बाद जो होता है उसकी कल्पना आप खुद नहीं कर सकते। क्यों, सोच कर ही थर थर काँपने लगे ना। जी हाँ, जब आपको ये सुनकर और सोचकर इतना डर लग रहा है तो उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर अकेले खड़े इंसान की क्या हालत होती होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज हम उन्हीं भूतिया स्टेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ अकेले जाने की इंसान की रूह काँपने लगती है। सबसे पहला, बिगू कोडर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। भूतहा रेलवे स्टेशन की बात करें तो पश्चिम बंगाल का बेगूर कोडर रेलवे स्टेशन सबसे कुयात माना जाता है। साल 1967 के बाद से ही इस रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया है। आप भूत के खौफ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 42 साल में इसे खोला नहीं गया। कहा जाता है कि यहाँ पर रेलवे स्टाफ को सफ़ेद साड़ी में घूमती एक भूत दिखी थी। लोगों का कहना यह है कि इस स्टेशन पर अकेले में जो भी गया है उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। हालांकि इस रेलवे स्टेशन को ममता सरकार ने 2009 में खोलने का फैसला किया था। दूसरा नंबर, बरोग रेलवे स्टेशन शिमला। बोरोग सूरत के निकट मौजूद शिमला का बोरोग रेलवे स्टेशन काफ़ी भूतहा है। कहा जाता है कि यह एक इंजीनियर की आत्मा बस्ती है। इस सुरंग का निर्माण कर्नल बोरोग ने कराया था। कहा जाता यह है कि यहाँ एक इंजीनियर ने अन्य कर्मचारियों के सामने अपमानित होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। जब वह सुरंग का निरीक्षण करने जा रहा था तब उसने उसको गोली मार दी थी। उसके बाद उसकी लाश को उसी सुरंग के पास दफना दिया गया था, जिसके बाद यह कहा जाता है कि उसकी आत्मा इसी स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तीसरा नंबर, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन को कोलकाता का सबसे खतरनाक और भूतहा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद वहाँ पर उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। उस स्टेशन से गुजरने वाले लोगों का यह भी मानना है कि जब इस इंसान वहाँ पर अकेले पड़ जाता है तो यहाँ पर कई तरह की अजीब अजीब आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है। द्वारका स्टेशन मेट्रो स्टेशन दिल्ली। दिल्ली में काफ़ी फेमस मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 9। यहाँ से गुजरने वालों में लोगों का मानना है कि यहाँ एक भूतनी का डेरा है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक सफ़ेद साड़ी में भूतनी अक्सर दिखती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कभी कभी यह भूतनी कारों का भी पीछा करती है। इस स्टेशन में रात में सफ़र करने वालों को कई तरह की बातें करते देखा है। कहा यह भी जाता है कि इस भूतनी के एक स्कूल जाने वाली लड़की को भी मार दिया था। पांचवा नंबर, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भूतहा मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहां एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तभी से उस यहाँ की आत्मा भटकती रहती है। कई लोग ने उसे सामने में देख भी लिया है, तो जिस तरह सामने आकर डराती है उससे कई लोगों का होश भी उड़ जाता है। लोग कहते हैं इसका डराने का तरीका भूतों से अलग है। तो ये थी दोस्तों भूतों का स्टेशन। हालांकि सभी बातें लोगों के अनुसार कही गई है, भूतों के बारे में कितना दम है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।